हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, इंडिया पोस्ट जीडीएस का। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा जो फर्स्ट लिस्ट में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट जब आया था तो सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद कैसे हुआ सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला वेरिफिकेशन हुआ, उसमें डेट दिया गया था जो हमारे पास मेल आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया, अच्छे तरीके से हम गए थे, उसके बाद 1 महीने के अंदर हुआ, मतलब कि 2-3 वीक के बाद जो सेकेंड वाला वेरिफिकेशन है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो हुआ, ठीक है। तो इतना टाइम लगा हुआ था 1 महीने के अंदर। तो काफी सारे लोग परेशान हैं कि उनका जो दूसरी लिस्ट वाला है, तो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट लिस्ट वालों का जितना टाइम लगा था, उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा सेकेंड डीवी के लिए, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो, बस आप लोग वेट करो। हम भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि नहीं आएगा क्या, लेकिन वो आ गया था, ठीक है। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि ट्विटर पर जाके इंडिया पोस्ट को और पोस्टल को मेंशन करके आप उनको ट्वीट करो, ठीक है। तो वो आपको रिप्लाई दे देंगे कि कब आएगा कब नहीं, या आप कहाँ से इंक्वायरी करें, ठीक है। तो देखो, आपका जब वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि क्या पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कास्ट वाला होगा, चेक करेंगे तब जाके ज्वाइनिंग लेटर मिलता है या पहले। तो इस समय ना थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही है, सारा काम जल्दी करवा रहा है। तो ज्वाइनिंग लेटर जो है, कुछ लोग को हैंड टू हैंड दे रहे हैं जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कराए थे, और कुछ लोग का जैसे इवेंट होता है कि पीएम मोदी का एक इवेंट चल रहा है इसमें, रोजगार मेला का 2023 का, ये हर साल होता है, तो उसमें कुछ लोग का दिया जा रहा है, जैसे कि रेलवे का हो गया, इंडिया पोस्ट जीडीएस का हो गया, तो ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जब मैं गया था मुरादाबाद, और मैं अभी हूँ लखीमपुर के गोपालापुर में, ठीक है। मेरी पोस्टिंग हुई है और मेरे साथ ये हैं, ठीक है। हम दो लोग रूम पे रहते हैं अभी, है ना, ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मैन प्रताप। अभी ये 10th में है, तो ये भी तैयारी करते रहेंगे बैठ के, और हम भी लोग करते रहेंगे, और जैसे होगा सारा कुछ मैं आपको वीडियो बताता रहूंगा। जीडीएस टू एमटीएस के बारे में भी हम बताएंगे। और अभी आप देख सकते हो कि मैं लिया हूँ, ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर, देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। इसमें आपका नाम लिखा रहता है और ऊपर नोटिफिकेशन दिया रहता है कि आपका कब ज्वाइनिंग होगा, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। बाकी आप अपने एसडीआई से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा वहीं पे, कि आपका जहाँ ज्वाइनिंग हुआ है, पोस्टिंग हुआ है, वहां पे जाइए, आपका नाम लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा फादर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पर आपका कैटेगरी लिखा रहेगा और जो है आपका वो दिया रहेगा। तो मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं कि जो हमारा एससी है, हमारा नाम आकाश कुमार है, और जहाँ हमारा हुआ है सिलेक्ट, तो एबीपीएम है मेरा गोपालापुर बीओ, ठीक है, ईसा नगर एसओ खीरी में, ठीक है, खीरी के अंदर हुआ है। बाकी कुछ डिटेल्स दिए रहते हैं इसमें, और हम बैक करके दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2-3 पेज का मिलता है इसमें, देख सकते हैं ये है इधर, और सारा कुछ डिटेल जो भी रहता है, ये सारा कुछ साइन वगैरह दिया रहता है, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि अटैच करके आपको एम्प्लॉय आईडी के लिए देना पड़ता है साथ ही में, ठीक है। तो यही था गाइस, ठीक है। सो आज बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।